वहीं एक बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद से जुड़ी है, जहां पर जामा मस्जिद का महिला विरोधी आदेश अब जारी हुआ है। सिंगल लड़कियों के अकेले प्रवेश पर पाबंदी है। जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर पर्चा भी लगा दिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, वजह क्या इसके पीछे, देखिए आप। दिल्ली के जामा मस्जिद में अकेले महिला के प्रवेश पर पाबंदी है। जामा मस्जिद का ये फरमान, सिंगल लड़कियों के अकेले प्रवेश पर पाबंदी, ये फैसला आखिर क्यों, ये आखिर फरमान क्यों। जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर बकायदा पर्चा लगा दिया गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला विरोधी आदेश जारी किया गया है जामा मस्जिद की तरफ से। अब देखना काफी अहम है कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी, धर्मगुरु क्या कहते हैं जो ये चाहते हैं कि महिलाएं जाएं मस्जिद में। जामा मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर, अकेले महिलाएं प्रवेश अब नहीं कर सकेंगी यहां पर। पर्चे तक चिपका दिए गए, लड़कियों के अकेले प्रवेश पर रोक लगाई गई और प्रवेश द्वार पर यह पर्चा लगाया गया। जैसे ही आप घुसेंगे जामा मस्जिद के अंदर, बाहर ही ये पर्चा आपको दिखाई देगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, महिला विरोधी आदेश। लेकिन अब क्या इस पर आगे विरोध होगा, क्या इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं के कुछ बयान सामने आएंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जामा मस्जिद के इस आदेश को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। लड़कियों के अकेले प्रवेश पर पाबंदी फिलहाल, जामा मस्जिद के बाहर पर्चा चिपका दिया गया, प्रवेश द्वार पर यह पर्चा, अकेले प्रवेश पर पाबंदी। देखिए जामा मस्जिद में दूर दूर से घूमने भी लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई महिला अंदर प्रवेश करना चाहती है अकेले, तो फिर अब पूरी तरह से पाबंदी है उस पर। जामा मस्जिद सबसे चर्चित जगहों में से एक दिल्ली के अंदर, महिला ए फतवा ये जामा मस्जिद का, देखना अहम होगा क्योंकि इस पर अब सवाल तो खड़े होंगे, धर्मगुरुओं के बयान तो सामने आएंगे कि आखिर ऐसा फरमान आपने क्यों सुनाया है। जामा मस्जिद का ये महिलाओं के लिए फतवा, लड़कियों के अकेले प्रवेश पर पाबंदी।